आज हम बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सस्ता मिठाई, जिसका टोटल कॉस्ट 10 रुपये आने वाला है और बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे आप रक्षाबंधन में भी ट्राई कर सकते हैं, तो देर किस बात की, चलिए इस खास और सस्ते मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने यहाँ पे लिया है दूध थोड़ा सा, और इसमें आधा चम्मच चीनी डाल के हमने इसे गर्म कर लिया है। और दो, हमने यहाँ पे बिस्कुट लिया है, ये चॉकलेट बिस्कुट है और ये 5 रुपये का है। सबसे पहले रैपर को फाड़ लेते हैं और यहाँ पे इस ग्राइंडिंग जार में इसको डाल देंगे। हमें जो है इस बिस्कुट का पाउडर बनाना है, तो इसको भी हम फाड़ लेते हैं और इससे भी बिस्कुट निकाल के इसी जार में हम डाल देते हैं। तो चलिए पहले इसे हम निकाल के डाल लेते हैं और इसके ऊपर जो है हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और लगा के इसका पाउडर हम बना के आपको पहले निकाल के दिखाते हैं। तो बिस्कुट पिस चुकी है, तो चलिए इस ढक्कन को हटाते हैं और ये जो पाउडर है वो बन गई है। आप चाहे तो बिस्कुट के अंदर से क्रीम निकाल के भी अलग करके और बिस्कुट का पाउडर बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रीम के साथ जो है इस बिस्कुट का पाउडर बनाया है। तो इस जार से इस पाउडर को सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अलग कर लिया है और ये आप देख सकते हैं पाउडर अलग हो चुकी है। तो इसमें डाल देते हैं फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें। बस इससे जो है हमें बैटर को जो है मोटा रखना है, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे जो हमें एक डो को प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले इसको जो हम प्रिपेयर कर लेते हैं मिला के अच्छे तरीके से, जितना हमें ज़रूरत पड़े उसी अनुसार जो है डो को प्रिपेयर करेंगे। और ये जो डो है हमने प्रिपेयर कर लिया है, काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब चलते हैं, इसका जो है पेड़ा बनाना है। तो सबसे पहले इसे जो है गोल गोल हम रोल कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का मिठाई टाइप का, और इसे जो है उंगली से हल्का सा दबा देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे जो हम प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम सारे पेड़े को बना लेंगे और इसे जो है बीच में उंगली से हम प्रेस कर लेंगे कुछ इस प्रकार का। आप चाहे तो कोई और शेप भी इसी पेड़े या फिर मिठाई को दे सकते हैं। तो फाइनली हमारी मिठाई बन चुकी है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये बादाम, जिसे हम डेकोरेट कर देंगे मिठाई दुकान में बिकने वाले मिठाई जैसे। तो कुछ इस प्रकार से हमने सारे पेड़े को इसी बादाम से डेकोरेट कर दिया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट बना है। बनाने में कुल समय लगभग 10 मिनट लगे हैं और ये फाइनली हमारी पेड़ा बन चुकी है। इसे आप रक्षाबंधन में ज़रूर ट्राई करें, सस्ते में आपको बढ़िया काम निकल जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग बना है। तो कैसी लगी यह खास मिठाई वाली रेसिपी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो हमें लाइक और शेयर करके सपोर्ट करना ना भूले। इस चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसे ऑल प्रेस करना ना भूले। हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।